वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग बुजुर्ग महिला और पैदल जा रहे लोगों को अपना निशाना बनाकर लूट को अंजाम दिया करते थे। SSP रोहित सिंह साजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 11 लूट की घटनाओं का खुलासा किया है। पूर्व में SDM की पत्नी से पर्स लूटा था, महिला से चैन लूट की थी। एक्सिस बैंक के बाहर 50,000 कैश की लूट को अंजाम देने के बाद बुढ़ाना गेट पर महिला से चैन लूटी। त्यागी हॉस्टल के पास भी कैश लूटा। ये गैंग मेरठ, गाजियाबाद सहित अलग अलग शहरों में जाकर वारदातों को अंजाम दे चुका है। गिरोह का सरगना राहुल, कुलदीप उर्फ लल्ला, गोलू उर्फ दीपक और रामू गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरोह के पास से लूट में इस्तेमाल किए जाने वाली 3 बाइक, 2 तमंचे, 2 चाकू और कारतूस बरामद किए गए हैं। ये पूरा गैंग अलग अलग शहर में जाकर लूट की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह कानपुर देहात से मेरठ आकर धर्मशाला में रहा था। फिलहाल 3 आरोपी विपिन किशन और भोला उर्फ मान सिंह फरार है। SSP ने पुलिस टीम को दिया 25,000 का इनाम। SSP रोहित सिंह साजवान ने इस बारे में यह जानकारी। नौचंदी इलाके में जो लूट की घटनाएं हुई है, आज उनका खुलासा हुआ है। क्या है पूरा, इसमें कितने लोग पकड़े गए, क्या बरामद हुई है? ये विगत दिनों में थाना नौचंदी के अंतर्गत 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें कि एक महिला थी, उनसे सेंट्रल मार्केट के जब ख़त्म होता है उसके आगे जाके एक पर्स छीन लिया गया था। इसी तरह से एक व्यक्ति है जो अपने ATM से पैसे निकाल के जा रहे थे, 50,000 रुपये उनसे छीन लिए गए थे। और उसी वक्त जो है, जो पहले नौचंदी में जो घटना हुई थी पर्स छीनने की, उसी दौरान थाना सदर बाजार में एक चेन छिनैती की घटना हुई थी, और उसी के अलावा एक कोतवाली में भी घटना हुई थी इसी तरह चेन छिनैती की, और एक सिविल लाइन में व्यापारी से, वो बैंक से अपना एक कर्मचारी है एक कंपनी के, पैसे लेके जाते हैं, तो लूट हो गई थी। तो इस तरह से कुल 5 घटनाएं हुई थी, और ये हमने जो छानबीन की इसमें CCTV कैमरे के आधार पे और पूछताछ के आधार पे और अन्य जो संदिग्ध के आधार पे, तो इसमें कुल मिला के एक गैंग निकल के आया है जो कानपुर देहात का रहने वाला है। इसमें कुल मिला के इस गैंग में कुल 7 लोग थे। 7 लोग में से हमने आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कि राहुल कंजड़, पुत्र अनिल कुमार, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं, और कुलदीप उर्फ लल्ला, ये भी मंगलपुर थाना मंगलपुर कानपुर देहात के, और किशन पुत्र अतर सिंह, ये रसूलाबाद कानपुर देहात के रहने वाले हैं। और जो चौथे जो ये व्यक्ति हैं इसमें, इसके अलावा इसमें जो फरार रामू पुत्र जहान सिंह, ये भी मंगलपुर थाना के रहने वाले हैं। और जो फरार चल रहे हैं इसमें, 3 अभी फरार चल रहे हैं, इनको पकड़ा जाएगा जल्दी। और ये गैंग जो बताया गया कि NCR के आसपास, जो हमारे गाजियाबाद, यहाँ पे मेरठ और जो अन्य जनपद हैं, यहाँ पे लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। ये कुछ दिनों के लिए आते थे, जैसे 5-7 दिनों के लिए एक जनपद में आते थे, वहाँ लगातार घटनाएं करते थे, और घटना करने के बाद वहाँ से वो चले आते थे, और फिर उस जनपद में दोबारा मतलब का आते नहीं थे, लंबे अंतराल के बाद आते थे। कितने लोग का ग्रोह है, पूरा ग्रोह कितने लोग का है? हमारे यहाँ जो घटनाएं हुई हैं उसमें 7 लोग शामिल थे, जो अभी तक हमारी छानबीन में निकल के आया। उसमें से 4 लोगों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, बाकी 3 लोग अभी फरार चल रहे हैं, उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। दूर लूट करने का कारण क्या है? नहीं, इनका 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 ये मानना था कि जैसे अगर ये कानपुर के रहने वाले और यहाँ घटना करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि इनका पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता है, पहले ये चीज़ घटनाएं करते हैं, और साथ में इनको यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं होता है। पुलिस का जो मुखबिर तंत्र है वो भी इनको इनके बारे में लोकल स्तर पे जानता नहीं है, तो यहाँ ये घटना को 2-3-4 दिन लगातार घटना करके यहाँ से फिर निकल जाते थे। ये पहले आके ये मोटरसाइकिल से, जो दोपहिया वाहन है, ये 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी से यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे ये एक बहुत ही निम्न तबके के जो होटल वगैरह होते हैं वहाँ पे रुकते थे, और वहाँ पे ये जब बैंक में जाके, जो इतने बैंक्स होते हैं उनकी ये रेकी करते थे, जाके 2-2 के संख्या में जाते थे वहाँ पे, और ये बिल्कुल भी अपना मास्क पास नहीं लगाते थे, एकदम सामान्य तरीके से जाते थे, जैसे ग्राहक बैंक के अंदर जाता है, और वहाँ पे ये देखते थे कि कौन सा व्यक्ति कितना चेक भर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है, उसके हिसाब से उसको अपने जो जो शिकार है उसको पहचानते थे।
कि अगर जिसने ये इनका ये था कि अधिक से अधिक जो व्यक्ति पैसे निकासी कर रहा है बैंक से उसके पीछे लगें, तो इस तरह से वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे पूरा बैंक के अंदर और जितने भी बैंक थे सबको देखते थे कहाँ पे किस तरह से आदमी का पीछा किया जा सकता है। जैसे ही वो आदमी पैसे निकासी करके बैंक से बाहर आता था उसके पीछे जाके झपट्टा मार के या बातचीत के बहाने से उसको रोकते थे और फिर झपट्टा मार के जो उसका जो बैग है जिसमें पैसे रखे होते थे और उसको फिर छीन के लेके चले जाते थे। ये पढ़े लिखे नहीं है और यहाँ पे मेरठ के आसपास कितनी घटनाओं का, ये यहाँ पे जनपद इसमें हमारे पास NCR में जनपद गाजियाबाद की काफी घटनाएं, इसमें मोदी नगर की घटना है, गाजियाबाद की घटना है और यहाँ पे जैन छिनादी की घटना है जो गाजियाबाद की और उसके आसपास की काफ़ी मिली, नोएडा की मिली है। उसका जो पूरा जो डिटेल है आपको थोड़ी देर में आपको प्रिंट करके आपको दे देंगे कि कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे खुली हैं। अभी ये जैसे यहाँ पे कुछ समय के लिए जैसे यहाँ पे आ गए, कुछ समय के लिए यहाँ पे आके पहले घटनाओं को अंजाम देके उसके बाद ये जो पूरा सामान है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठा करते थे, जो उनका सरगना है राहुल नाम का जो व्यक्ति उसके पास इकट्ठा करते थे और उसके बाद फिर ये अभी जब ये जाने वाले यहाँ से जब निकलने वाले थे उस दौरान ही पकड़े गए, और नहीं तो ये जाके हो सकता है कहीं अन्य जनपद में इसको बेचते या जो उसका उसको डिस्पोज ऑफ करना वो करते। तो मेरठ में काम कब से करने वाले हैं और मेरठ में कब से थे ये लोग? ये यहाँ पे लगभग 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे आए थे और 5 जनवरी के बाद से यहाँ पे रुके हुए थे और उस दौरान जब एक दो घटनाएं हुई तो पुलिस के द्वारा जो बैंकों में जो तलाशी अभियान है चेकिंग अभियान है बहुत अधिक चलाया गया, साथ में इनका जो CCTV फुटेज है वो प्राप्त पुलिस को हो गया था, उसके बाद ये सतर्क हो गए थे और काफी टाइम से फिर ये घटना मतलब यहाँ पे छुप गए थे। तो क्या वो चोरी के लूट के वाहन थे या इनके अपने निजी वाहन थे? ये वाहन जो है अभी हमने 3 वाहन इनसे बरामद किए हैं, 2 मोटरसाइकिलें और 1 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं और इसके बाद ये जो इनका पता चला है क्योंकि ये इनका आपराधिक इतिहास भी है तो ये क्योंकि वहाँ बहुत लंबी दूरी तय करके जनपद कानपुर नगर से वहाँ से आ रहे थे तो ये अपना जो नाम पे जो वाहन है उसी को लेकर आते थे, चोरी का वाहन उपयोग नहीं करते थे। इनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है? इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें 1 स्कूटी 2 अवैध असलहे बरामद हुए और जो लूट की घटना में हमारे यहाँ कुल मिलाकर 2 लाख से अधिक का पैसा गया था उसमें से 1,70,000 के आसपास की बरामदगी पुलिस के द्वारा कर ली गई है। साथ ही साथ इसमें जो चेन स्नैचिंग हुई थी उसके भी जो कुछ ज्वेलरी के जो पीसेज हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और इसमें चाकू और जो 2 तमंचे मैंने आपको बताया वो बरामद किए गए हैं। मेरठ में आए तो मेरठ में जैसे कोई भी ऐसा होटल या ऐसा सराय जो बहुत ही निम्न तबके का हो जहाँ पे किसी की नजर न जाए जैसे रेलवे स्टेशन के आसपास या फिर बस अड्डे के आसपास वहाँ ये निवास करते थे। हाँ इनका आपराधिक इतिहास है वो आपको अभी उपलब्ध करा अभी तक हमारे जनपद की जो 5 से अधिक घटनाएं जो अभी किसी उसमें हुई है, इसके अलावा जनपद गाजियाबाद की और अन्य जनपदों की घटनाएं हुई है उसका विवरण आपको अभी उपलब्ध करा दें। नहीं ये आईडेंटी बदल के नहीं, ये अपना क्योंकि ये दूसरे जनपद के थे इनको ये लगता था कि यहाँ की पुलिस इनके बारे में जानती नहीं है तो इसलिए ये पूरा अपना पूरा मास्क खोल के आज बिना मतलब चेहरा छुपाए हुए अपनी घटनाओं को। जब यहाँ के ट्रेनी तो रास्ता कैसे पहचानते थे कि भागना है लूट के भागेंगे? नहीं ये जब यहाँ आके रहते थे उस दौरान ये दिन भर घूमते थे और अलग अलग बैंकों में जाके उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी लेते थे। इस गैंग का कोई नाम भी है क्या? इसका जो अभी हमने इसका पूरा आपराधिक इतिहास जो अभी 3 लोग भागे हैं उनका आपराधिक इतिहास देख रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि इसमें कोई पहले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो तो पूरा जो गैंग का क्या पंजीकरण हुआ है नहीं हुआ है या क्या इसमें और कार्रवाई हो सकती है गैंगस्टर की कार्रवाई या सारी कार्रवाई इसमें कराई जाएगी। अगला निशाना कौन सा शहर था जैसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ये जा रहे थे कुछ ऐसा? ये यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पे पुलिस की गश्त हर बैंक में बहुत अधिक बढ़ गई थी गोपनीय तरीके से भी और सादे कपड़ों में पुलिस लगाई गई थी, इस वजह से यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे लेकिन अब इनसे अभी और पूछताछ विस्तृत पूछताछ की जा रही है जिसके बाद अब आगे चीजें इससे पता चल पाएंगी। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।